हो गया, सब कुछ हो गया ना मम्मी? यस मम्मी। तो हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है रुद्र पूजा टॉक्स। और मैं सुबह सुबह मॉर्निंग में इतना रेडी हो गई हूँ, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो हम लोग कहीं छोटी सी ट्रिप पे जा रहे हैं, ऐसा भी समझ सकते हो आप। मैं अभी बताऊंगी नहीं, धीरे धीरे आपको ब्लॉग में पता चल ही जाएगा। और हम लोग जहाँ जा रहे हैं वहाँ की बहुत मान्यता है, वहाँ पे कोई भी विश मांगो पूरी हो जाती है। और बहुत दूर दूर से वहाँ पे लोग आते हैं, पर हम मॉर्निंग में ही जाते क्योंकि वहाँ पे हमेशा बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो उठ के तैयार होके फ्रेश होके फिर चले जाना। और अभी तो 10 बज चुके हैं, अभी थोड़ा लेट हो चुका है। तो मैं जाने वाली हूँ, शिवांश तो जाने वाला ही है। मैं क्योंकि मैं जाऊँगी तो शिवांश तो जाएगा ही। और ये जाने वाले हैं, मम्मी जाने वाली हैं, बाकी आगे आगे आपको पता चलेगा कि कौन कौन जाने वाला है। शिवांश को मैं जा रही हूँ अभी तैयार कर देने। मैं तो तैयार हो चुकी हूँ, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है इस ड्रेस में। मैं चेंज कर लूँगी क्योंकि ज़्यादा गर्मी है और फिर बेबी को पकड़ने में प्रॉब्लम होगी और ये थोड़ा सा हार्ड है। और अभी मैं कुछ थोड़ा सा एक दो इंस्टाग्राम रील्स शूट कर रही थी, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा ज़्यादा हेवी तैयार हो जाती हूँ, पर जाने वाली हूँ। शिवांश भी बहुत खुश है क्योंकि वो भी जाने वाला है। बाकी आप लोग देख सकते हो कि कितनी धूप है, बहुत ज़्यादा धूप है बाहर, बहुत गर्मी भी है आज। देखिए, मैं जब रूम में रहती हूँ तो शिवांश अच्छे से रहता है, और मैं जहाँ रूम से इधर आई वहाँ चिल्लाने लगा कि ले चलो मुझे भी। और आजकल तो बहुत शैतानी करता है, बहुत ज़्यादा ही बदमाशी करता है। शिवांश मम्मा इधर है, जा शिवांश जा। इसे आज बहुत मेहनत से सुलाया है, अभी थोड़ी देर पहले ही उठा है। शिवांश मैं जान, मैं बच्चा रेडी नहीं है, अभी अभी रेडी कर देते हैं मैं अपने बेटी को। बने रहिएगा, कहीं मत जाइएगा, और हमारे ब्लॉग को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, और सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। शिवांश आप भी बोल दीजिए कि सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आप लाइक, शिवांश आप लाइक बोल दो कि प्लीज लाइक कर दीजिएगा, नहीं भूलिएगा। हे एवरीवन, तो अभी जस्ट मम्मी पूजा करके आई है। मम्मी कौन सा पूजा था आज? मैया जी का। मैया जी का। एंड अभी हम लोग जाने वाले हैं एक बहुत ही स्पेशल जगह, तो बाकी अब बता देंगे आपको कहाँ जा रहे हैं। बाकी पूजा ने बता ही दिया होगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं क्या? नहीं, तो ये है प्रसाद, तुमने नहीं बताया अश्वांश को। देखो देखो देखिए उसका नाटक। तो अभी हम जा रहे हैं मंदिर, और जैसा कि पूजा ने शायद आपको बताया या नहीं बताया, बिकॉज मैंने ब्लॉग देखा नहीं कि उसने क्या शूट किया था, बट अभी हम लोग जा रहे हैं। मम्मी जी ने विश मांगा था, तो ऐसे भी मम्मी जी हमेशा वहाँ जाती है, और उसकी एक बहुत बड़ी मान्यता है कि आप वहाँ दिल से जाते हो, जो भी मांगते हो आपकी सारी विशेज पूरी होती है। तो फिलहाल हमारी जो पिछले वाली विश थी वो पूरी हो गई है, एंड न्यू वाली विश उससे बहुत बड़ी वाली विश है। तो फिलहाल चलते हैं वहाँ पर एंड अपनी विश को मांगते हैं। बाकी मम्मी जी रेडी हो चुकी है, पूजा भी रेडी है, एंड हमने आज बड़ी माँ को भी ले लिया है, तो बड़ी माँ को भी लेके चलते हैं। और सभी लोग चलेंगे वहाँ, अच्छे से पूजा करेंगे, भगवान जी के दर्शन करेंगे, और आते हैं, चलते हैं फिर। हाँ, तो चलो। हाँ। अरे मैं पीछे बैठी हूँ। क्या मम्मी हो गया? मेरा देखने के लिए पैसा कौन दिया है? आंटी जलेबी खा लेंगे। एवरीवन, तो सभी लोग बैठ रहे हैं, सिद्धि भी जा रही है। चलो चलो पूजा, क्या हुआ? बेचैन हो गया ये जाने के लिए। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं, हम हैं, पूजा है, पीछे सिद्धि है, बड़ी माँ है, मम्मी है, एंड यहाँ से शिवांश। तो सभी लोग हम लोग अब जा रहे हैं, बाकी चलते हैं वहाँ पे, एंड ब्लॉग में बने रहिएगा, ब्लॉग लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो चलते हैं। इतना खुश है, शिवांश कितना फेनो भाभा ना। हे गाइस, तो अभी हम थोड़ी दूरी पे आ चुके हैं, और यहाँ पे आ चुके हैं, और यहाँ पे हम पेट्रोल पंप पे रुके हुए हैं,
क्योंकि गाड़ी हमारी खाली रास्ते में ही रह जाएंगे हम। खाली है, इतना आदमी तो भरा हुआ है। सही कहा आपने, लेकिन फिर भी हमारी गाड़ी खाली है। खाना खाए टाइम लगे, चल ना जाए पैसा खा लगे। और रास्ते में अभी का सीन ये है कि हमारी गाड़ी में थोड़ा फ्यूल कम था, तो फिलहाल अभी जस्ट फ्यूल लेते हैं एंड इसके बाद चलते हैं आगे, बाकी जो भी पूजा वगैरह करना है। बाकी शिवांशु बहुत परेशान कर रहा है और पीछे हलचल मचा रखा है। अब फ्यूल ले लिया है हमने, अब जा रहे हैं और अभी तक हम ज्यादा दूरी पे नहीं आए हैं, बस लालगंज इतना आया। मतलब कि आगे तुम्हारा मम्मी का घर है, ठीक है? हाँ। तो जा ही रही हो तो मम्मी को फोन कर दो, मम्मी आप बाहर आ जाओ, हम कार से गुजरेंगे और कार में से ऐसे टाटा कर देना। जैसे आशीर्वाद को छोड़ दो यहीं पे, उधर सोरते में फिर ले लेंगे हम लोग क्या। अच्छा, सेरेलेक लाते तो छोड़ भी देते हैं। बीत चुके हैं यहाँ पे और मैंने जैसा सोचा था वैसा बिल्कुल नहीं है। मैंने सोचा था कि थोड़ा से भी भीड़ यहाँ पे नहीं होगी, बट यहाँ पे तो गाड़ियों की लाइन लगी हुई है। हो गया सब कुछ, हो गया ना मम्मी? यस, मैं भी यहाँ से दूर जाना होगा, ठीक है? चलिए चप्पल खोलो ना दादी, फिर चप्पल खोल के ही जाएगा। हाँ, जिसको अंदर जाना है वो चप्पल यही खोले, ठीक है? बाबू को तू लेना है ना। हाँ, मैं भी चप्पल खोल के जाऊंगी। और मास्क वगैरह लगाना है? हाँ, मास्क लगाना है। लगा लेते हैं। तो हम लोग पहुँच चुके हैं यहाँ पे एंड अभी यहाँ पे काफी भीड़ है, आगे आपको दिखाते हैं। और हे गाइस, तो हम यहाँ पे आ चुके हैं, बहुत ज्यादा भीड़ है यहाँ पे और देख सकते हैं यहाँ पे मेला जैसा लगा हुआ है। और यहाँ पे मम्मी गेरुआ ले रही हैं। शिवांश, कैसा लग रहा है आपको आके यहाँ पे? आपके साथ देसरी वाले राजकुमार जी के बॉम्बे का बीना बजन शुक्रिया। हे गाइस, तो हम मंदिर के अंदर गए और मंदिर में इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि अंदर जाना तो मुश्किल ही था। मतलब हम मंदिर के प्रांगण में थे और जो मेन मंदिर का रूम है उसके अंदर बहुत ज़्यादा भीड़ था, जिसकी वजह से हम नहीं जा पाए। और बहुत लोग जा रहे थे लेकिन उसमें जाना पॉसिबल नहीं था हमारे लिए, तो मम्मी और आंटी ने बाहर ही पूजा कर लिया। और बाहर पूजा करने के बाद मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा इधर उधर का वीडियो ले लेती हूँ। देन बहुत बहुत रूम वहाँ का कचरा हो रखा था पूजा के नाम पे, एंड वहाँ पे एक पुलिस वाले अंकल मुझे मिले और उन्होंने मुझे शूट करते देखा तो उनको लगा कि शायद मैं मीडिया से हूँ। तो उन्होंने पूछा मुझसे कि हाँ आप मीडिया से हो, तो मुझे बहुत हंसी आ गई। मैंने कहा कि नहीं मैं मीडिया से नहीं हूँ, तो उन्होंने बोला कि नहीं ऐसे शूट करके मत डालना कुछ। तो फिर मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया, मुझे लगा कि मैं थोड़ा सा डर गई थी कि पता नहीं
कहीं फ़ोन उन छीन ले, मतलब कुछ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, सिर्फ उन्होंने बोला है कि ज़्यादा शूट मत करो ये सब मतलब मत डालना। तो मैंने कहा कि ओके। फिर हम लोग मंदिर से बाहर निकल गए और भीड़ कम होने का तो नाम ही नहीं ले रही थी, भीड़ तो मानो जैसे कि बढ़ती ही जा रही थी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, क्योंकि यहाँ की ज़्यादा मान्यता है कि यहाँ पे हाँ हर विश पूरी होती है, जो भी आपकी मनोकामना होती है वो पूरी हो जाती है। और यहाँ पे देखिए शिवान सोया हुआ है, इतनी भीड़ में इतने शोर में यहाँ पे उसे नींद आ रही है, और घर पे मैं जब सुलाती हूँ तो घर पे उसे नींद आती नहीं है, थोड़ी सी भी आवाज़ हो तो वो उठ जाता है, और यहाँ चैन से सोया हुआ है इतने भीड़ भाड़ वाले इलाके में। मेरा फेस पूरा सिंदूर से भरा हुआ है। वैसे वहाँ पे जो भी लेडीज़ जिनकी शादी हुई रहती है वो लोग जाते हैं तो ऐसे ही नाक पर से सिंदूर लगाया जाता है, वहाँ का नियम ही है, सभी लगाते हैं, तो मम्मी ने मुझे भी लगा दिया, तो मेरा फेस पूरा सिंदूर सिंदूर से भर ही गया था। और वहाँ पे तो किसी ने मास्क भी नहीं लगाया हुआ था क्योंकि इतना भीड़ था, पर मैंने किसी को एक आदमी को भी नहीं देखा वहाँ पे मास्क लगाते हुए। वैसे मुझे लगा था कि यहाँ पे थोड़ा सा भी ये जो भी मेला जैसा है कुछ लगा हुआ नहीं होगा, मुझे लगा था कि सिंपल ऐसे ही होगा, क्योंकि मेरी मम्मी गई थी तो वहाँ पे सिर्फ सीढ़ियों पे बाहर से ही पूजा करने दे रहे थे, अंदर नहीं जाने दे रहे थे, तो मुझे लगा कि वैसा ही होगा। बट लास्ट डे था इसीलिए इतना ज़्यादा भीड़ था, हम लोग भी पहले ही जाने वाले थे बट मतलब किसी रीज़न से रुक जा रहे थे और नहीं जा पा रहे थे, क्योंकि यहाँ पे वन ईयर में एक ये सावन के महीने में यहाँ पे पूजना होता है, पूजा करना होता है यहाँ पे, इसलिए सभी लोग जाते हैं, और ये लास्ट डे था तो सभी लोग ने सोचा होगा कि चलो ये लास्ट डे है तो चलते हैं, इसलिए इतना ज़्यादा भीड़ हो गई थी। बाकी हमारा पूजा तो कंप्लीट हो चुका है, और फिर हम यहाँ से कुछ सामान तो कुछ लिया नहीं, बस जलेबी ये सब कुछ खाने पीने की चीज़ें ली हमने, और फिर जल्दी जल्दी घर आए क्योंकि खाना खुना भी नहीं बना हुआ था, घर पे खाना भी बनाना था और सभी भूखे ही थे, किसी ने खाना नहीं खाया था, यहाँ तक कि सिद्धि इतनी छोटी वो भी नहीं। फिर यहाँ से हमने अपने लिए कड़कड़ी जलेबियाँ छनवाई और फिर गरम गरम ले गए अपने घर, और फिर क्या लियो भैया, ये क्या लियो? मिठाई। ये स्पेशल मिठाई है तुम्हारा? ये स्पेशल है मेरे लिए, बाकी जलेबी है सबके लिए। चलिए 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 जल्दी चलिए, अब रहना मुश्किल है। ए गरम ना ना। चल चल सबर का। चलिए ना आंटी, आपका मुंह तो देखिए। हाय राम, मेरा मुंह तो पूरा लाल हो गया मम्मी, लाल हो गया, इधर से इधर त्रिशूल निकल गया। मेरा ऐसी फीलिंग है, और मतलब पूजा करने के बाद क्या क्या हुआ? मम्मी कैसा लगा आपको पूजा करके? अच्छा लगा वो तो सूर्य पूजा करने के बाद चार चौक है, वो कैसा लगा? वो तो बहुत अच्छा लगा, बहुत वाले ने मुझे बोला आप मीडिया से हो, मैंने कहा कि नहीं मीडिया से नहीं है, उनको लगा कि पता नहीं मैं कुछ शूट कर दूं, कुछ मतलब अलग डाल दूं, और से वो मैंने कहा नहीं, अब क्या तो अब क्या हो, क्या कर रहे हो? मैंने कहा कुछ नहीं कर रहे, ऐसे वीडियो बना रहे करिएगा क्योंकि यहाँ पे मतलब क्या बोल रहे थे कि जो मुंडन होता है वहाँ पे मुंडन भी होता है, तो मुंडन से सिर्फ 7 लाख पैसे मिले हैं वहाँ पे, 7 लाख इसको मिले हैं। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट को चाहिए कि वहाँ पे साफ सफाई या जो भी रखाव है वो सभी मतलब होना चाहिए अच्छा, पर ऐसा नहीं हो रहा है। मुझे बोल रहे थे 7 लाख सिर्फ मुंडन से मिला है, और देखिए 7 लाख मिलने के बाद भी वहाँ की मैं मतलब आप लोग व्लॉग में देखिएगा ही कि हाँ कैसी हालत है वहाँ की, और एक तो मतलब एक पुलिस वाले वहाँ पे दो चार एक पांच, सिर्फ 5 पुलिस वाले थे, और ये भी वो अंकल ये भी बता रहे थे मुझे कि तुरंत वहाँ पे जब मैं गई थी वहाँ पे अंदर, वहाँ पे तुरंत ही एक औरत का चेन किसी औरत ने ही निकाल लिया, खींच लिया, लेकिन पुलिस वहाँ पे होते हुए भी कुछ नहीं कर पाई क्योंकि इतनी ज्यादा भीड़ है, आप किस किस को चेक करोगे? और वहाँ की ऐसी हालत है, मैं वहीं पे खड़ी थी और मम्मी और बड़ी माँ ने तो बाहर ही पूजा किया, अंदर नहीं किया क्योंकि अंदर जाने वाली हालत नहीं थी,
अंदर जाते तो अंदर ही रह जाते, ऐसा लग रहा था वहाँ पे कि धक्का मुक्की और बहुत ज्यादा भी। मंदिर इतना छोटा था और उसमें इतने लोग भरे हुए थे, मुझे बोल रहे थे कि नहीं डालना है और मैं शूट करे जाती तो जरूरी है कि मेरा फोन। बोलते कि मीडिया से है, उसके बाद छूटा भी नहीं। बोलो कि मीडिया से हम लोग कोई झूठ थोड़ी ना बोलते, वहाँ पे जो सच है वही बता रहे हैं हम लोग। बात अभी सुन ले ना, बात सुन के तू घोड़े जाके कह दे मीडिया है। और मैं वहीं पे थी और गेट गेट पे इतनी ज्यादा भीड़ थी और गेट मतलब उस पे कुछ कुछ लोगों को अंदर जाने दे रहे थे मंदिर के अंदर। और जैसे ही गेट पुलिस वाले ने खोला कि कुछ लोग जाएं, वैसे ही मतलब लेडीज लोगों ने पूरा गेट हटा दिया और धड़ से सारे घुस गए अंदर। लेकिन वैसी हालत नहीं थी कि अंदर जाके पूजा। और आजकल तो सब जगह भीड़ है, यहाँ पे भी इतना सारा भीड़ है मम्मी। लेकिन सब जगह यहाँ भी मैया जी हैं, सब लोग लाल दिन पूजा करने वाला था क्या? पोटर पूजा है, रिपोर्टर पूजा रिपोर्टर। इतना शोर था वहाँ पे, माइक बज रहा था, इतना हल्ला उड़ा था और ये लड़का सोया हुआ था। और घर पे मैं इनको फोन में मतलब एयरफोन लगा के सुनते हैं, थोड़ा सा भी का किया कि उठ के रोने लगता है। Hey guys, तो हम लोग स्पेशल चाट खाने के बाद कुछ स्पेशल डिश खाने वाले जो आने वाला है ना।